बेमेतरा जिले में पुलिस के दो आरक्षकों पर एक युवती से रेप का आरोप लगा है। दोनों आरक्षक सगे भाई हैं। शिकायत के मुताबिक दोनों ने एक ही युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया। एक ने युवती को शादी का झांसा दिया और दूसरे ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद बेमेतरा पुलिस ने दोनों आरक्षकों को गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। मामले में जांच जारी है। पुलिस आरक्षकों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बेमेतरा पुलिस के मुताबिक पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी महेंद्र सोनवानी और कमलेश सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ धारा 376, 506, 323, 294, 34 भावदी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को बीते मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी कमलेश की पीड़िता से जान पहचान होने के बाद उसे शादी का प्रलोभन देने लगा। इस दौरान आरोपी बेमेतरा के मोहभट्टा में किराए के मकान में पीड़िता का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। इसकी जानकारी बड़े भाई को हुई तो वो भी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। पीड़िता ने जब मुख्य आरोपी से शादी की बात करने लगी तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। नतीजतन पीड़िता ने कोतवाली में दोनों सगे भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने दोनों आरोपी पर 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। अपराध दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता और आरोपियों के जान पहचान वालों से भी मामले में पूछताछ की जा रही है। पीड़िता थाने में आके रिपोर्ट लिखाई थी कि पुलिस विभाग के एक आरक्षक के द्वारा जो है उनके साथ अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाया था, बहला फुसला के। रिपोर्ट पर कायम किया गया है यहाँ FIR, और उसके भाई के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहती थी, डराने धमकाने का, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई किया गया है और मामला जारी है, विवेचना में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।